गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल के क्लास से कोई डाउट है? कल्पना, नंदिनी, प्रियांशु। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल के क्लास से किसी को डाउट है? चलिए चालू करें आके। बिल्कुल। बोर्ड विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा सबको? गुड मॉर्निंग विपुल। स्क्रीन दिख रहा सबको? गुड अभी दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है? अभी देखिए, कल हमने इक्वेशन पढ़ा था, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और किस जगह पे है। ठीक है, कितना दिखा चार्जेस है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, वो सब चीज़ बताता है। अब
अभी ये जो इक्वेशन है ये काफी सक्सेसफुल इक्वेशन था उस टाइम पे, और 90% इसने ये बता देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अभी इसमें इसके हिसाब से कुछ क्वांटम नंबर्स हमने देखे थे, जैसे एक क्वांटम नंबर हमने कल देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली समझ लीजिए आपकी एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस के जैसा है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है, जिस चीज़ को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जो कल देखा था हमने उसमें सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। एन मतलब हमारा बाहर का ऑर्बिट या फिर शेल, जो हमने 10th में बेसिकली पढ़ा है KLMN। अभी इस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको सोमरफील्ड ने बताया था, जो हमने देखा था सोमरफील्ड के थियरी में कि ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जो एलिप्टिकल पाथ उन्होंने दिखाया था, उस चीज़ को हम कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये बेसिकली सोमरफील्ड ने ही दिया था, इसको डिनोट किया जाता है इस एल से। तो सेकेंड हमारा जो क्वांटम नंबर है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये क्वांटम नंबर भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आता है। अभी इसमें क्या है कि ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो उसमें आपको एस पी डी एफ ये चार हिस्सा दिखता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे उस पीरियोडिक टेबल को तो हर एक एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा, जो हमने पढ़ा है 10th में KLMN का। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं, वो बेसिकली इसका पूरा संग्रहालय है, मतलब इस SPDF का आप कहिए तो वो संग्रहालय है। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जब हम KLMN को अगर तोड़ेंगे तो वो तोड़ के हमको ये SPDF ही देगा। ठीक है, अब जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर ये बेसिकली ऑर्बिटल्स को बताता है। ऑर्बिटल्स हमारे कौन कौन से हैं, तो एस पी डी एफ, और अभी ये जी भी दिया गया है, लेकिन जी में कोई एलिमेंट्स हमको मिला नहीं है। देखिए पीरियोडिक टेबल हम 118 एलिमेंट के लिए पढ़ते हैं, टोटल 118 एलिमेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है उसमें से अभी 126 के लिए जगह बनाया गया है, लेकिन वो जगह में कौन सा आएगा, क्या नाम है, वो अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, तो उस 126वां के लिए जब हम देखेंगे तो उसके लिए जी ऑर्बिटल्स आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या याद रखना, देखो इसमें से क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे पूछता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए कि ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, देन यहाँ पे किसका क्या नाम है, जैसे एस ऑर्बिटल जो हमारा पीरियोडिक टेबल में SPDF है, हर किसी का नाम है। ये जो एस है इसका नाम शार्प है, देन पी का नाम प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज्ड, एफ का फंडामेंटल, जी का जनरलाइज्ड, ये पांचों नाम दिए गए हैं हमारे SPDF को। ठीक, उसके बाद हर किसी में एल का वैल्यू है। देखिए एल का वैल्यू जो है ये बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है कि अगर एस, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो वहां पे ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स एस में है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, तो वहां पे जीरो ऑर्बिटल होगा, वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगा। ठीक है, उसके बाद पी में है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एल बराबर वन। ठीक, अब इस चीज को एस पी डी एफ जी को ये एल से डिनोट करता है कि 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन ध्यान देना है कि आपको ये जी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जी में कोई फिलहाल एलिमेंट नहीं है। इसलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, इट वॉज गिवन बाय सोमरफील्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में आपको ये अजीमुथल क्वांटम नंबर करके नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से पूछा जाएगा, जिसको बोर ने बताया था MVR इज इक्वल्स टू NH/2π, जो बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट था MVR इज इक्वल्स टू NH/2π, वही ये यहाँ पे एंगुलर क्वांटम नंबर है। तो क्वेश्चंस में आपको एंगुलर क्वांटम नंबर करके ही मिलेगा। इट इज डिनोटेड बाय एल
एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0, 1, 2, 3 से लेके एन माइनस वन तक, लास्ट सेल तक, या यू कहें तो इन्फिनिटी तक. इट डिस्क्राइब द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंगुलर मोमेंटम. ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे एटम में. द सबसेल्स आर गिवन एज एस पी डी एफ एंड जी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर सबसेल्स आर गिवन एज एस पी डी एफ जी. मतलब जैसे जैसे हम ये ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एनर्जी भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, ये देखेंगे हम आगे कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे इसका, कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाते हैं और किस तरीके से ये हाई एनर्जी बढ़ता जाता है. तो फॉर सेम वैल्यूज ऑफ एल एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट विथ इंक्रीज इन साइज. फॉर एग्जाम्पल 2s सबशेल इज ग्रेटर इन साइज देन इन 1s सबशेल. ठीक है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है. जैसे देखो बोर्ड दिख रहा ना, देखिए कहता क्या है कि अगर L का वैल्यू, ये L का वैल्यू अगर हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब है कि इस में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं S ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, या S सबसेल के लिए. S ऑर्बिटल चाहे S सबसेल के लिए, ठीक. अब जब बात होगी कि पहला वैल्यू है, मतलब अगर फर्स्ट सेल होगा जैसे 1s है मान लीजिए, देन 2s आएगा, उसके बाद 3s आएगा, उसके बाद आपके पास 4s आएगा. ठीक है, तो कहता क्या है वो पॉइंट कि s का वैल्यू भले ही l का वैल्यू भले ही जीरो हो, किसके लिए, तो हर s सेल के लिए, मतलब 1s के लिए भी l का वैल्यू जीरो, 2s के लिए भी L का वैल्यू 0, 3s के लिए भी L का वैल्यू 0 और इसके लिए भी L का वैल्यू 0. और जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे L का वैल्यू S ऑर्बिटल में या S सबसेल में 0 होगा. लेकिन फर्क कहाँ होगा, तो इनके साइज में फर्क होगा. जैसे अगर हम इसके ऑर्बिटल की बात करें तो इसका ऑर्बिटल हमको इतना छोटा देखने को मिलेगा. ठीक, उसी जगह पे जब हम सेकेंड वाले में आएंगे तो इसका ऑर्बिटल जो है थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा. जब थर्ड वाले में आएंगे वो इससे थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा. जब फोर्थ वाले में आएंगे तो वो इससे भी बड़ा देखने को मिलेगा और ऐसे ही ये इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो उस पॉइंट का मतलब यही है कि L भले हमारा कांस्टेंट है, ये L हमारा कांस्टेंट है, लेकिन लेकिन जो साइज है, जो साइज है वो साइज इंक्रीज करता चला जाएगा. Size increases इसके along, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम शेप्स देखेंगे ऑर्बिटल्स के, तो शेप्स में ध्यान दीजिएगा, ये चीज काफी काम आएगा. उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन बाय 2 × 12+1. ठीक है, ये फॉर्मूला है और कई बार फॉर्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डी सबसेल में या डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद है कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं. अब देखो यहाँ पे S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू यहाँ पे L के लिए 0 है, तो अगर हम यहाँ L पुट करें 0 तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिलेगा. तो S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P के लिए 6 इलेक्ट्रॉन. क्यों, क्योंकि P में L का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 × 12+1 L का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन. उसी तरीके से हम D के लिए निकालेंगे हमको 10 मिलेगा, F के लिए 14 मिलेगा और G के लिए हमें 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब
सेल मतलब sp(df) में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए. देन फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय. अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना होता है. उसका फॉर्मूला दे रखे हैं म्यू एल इज इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन टू पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन टू पाई. सिर्फ इस एच अपॉन टू पाई को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एच क्रॉस लिखा गया है. देखिए एच है और एच का जो ये सिर होता है ना उसको सिर्फ काटा जाता है. देखो ये सिंबल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने एच लिखा और इसके सिर पे ऐसे काट दिया. इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट इसको. और आप जो एग्जाम में यूज करेंगे तो वो एच अपॉन टू पाई ही यूज होगा. ध्यान देना है कि एच अपॉन टू पाई ही यूज होगा, ठीक है. देखिए अभी तक न्यूमेरिकल चालू नहीं हुआ है आपका, क्योंकि जो भी चीज चल रहा है ये सारे थ्योरीज है, सारे कॉन्सेप्ट है. और न्यूमेरिकल जब चालू होगा तो ये सभी कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, ठीक है. तो आप छोटी छोटी चीजों को ढंग से पढ़िए. ए हल्ला नहीं करो. देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय म्यू एल इंटू रूट इज इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू बी एम. ये बी एम हमारा बोर मैग्नेटॉन है, इसको बोर ने दिया था मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, इसलिए बोर मैग्नेटॉन इसका नाम है. देन इसकी वैल्यू है 9.2732 इंटू 10^-14 जूल. देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में दो अपेंडिक्स याद करने के लिए कहा था, एनसीईआरटी का अपेंडिक्स 4 एंड अपेंडिक्स 5, ठीक है. अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. वो 11, 12 दोनों में काम आएगा और स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, क्योंकि उसमें इन सब चीजों का वैल्यू दे रखा है. बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू है, देन रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है और मैंने वही चीज आपको पहले दे रखा था. देन थर्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. रूपम क्या डाउट है? अपेंडिक्स 4.5 नहीं 4 और 5 है, ठीक है. तो ये देखो आप कोई भी आप किताब खरीदते हैं ना, उस किताब के पीछे में अपेंडिक्स होता है. अपेंडिक्स कहने का मतलब है कि हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना वो दिया रहता है किताब के एंड में. तो एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो वहां पे अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, 3 ऐसे करके मिलेगा. और एक चीज और कि आपको वहां पे चैप्टर में जो भी टफ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई वर्ड है वर्ड की मीनिंग नहीं पता, तो वो वर्ड का मीनिंग आपको दिया होता उस किताब में, या फिर उस वर्ड का डेफिनेशन दिया होता शॉर्ट में कि आप उसको एक बार देखो तो समझ सको. और ये जो अपेंडिक्स है 4 और 5, इसमें पूरे किताब में जितने भी कॉन्स्टेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बताया है, अभी एक बोर मैग्नेटॉन का कॉन्स्टेंट आया, फिर इससे पहले हमने रिडबर्ग कॉन्स्टेंट देखा था, ठीक है, आर का वैल्यू, तो उस टाइप के जितने भी कांस्टेंट पूरे केमिस्ट्री में यूज होता है स्पेशली इन 11th एंड 12th, वो पूरा अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5 में दे रखा है. तो अपेंडिक्स 5 आपका ये कांस्टेंट वाला है और अपेंडिक्स 4 जो है वो आपका कन्वर्जन है. कन्वर्जन कहने का मतलब वॉल्यूम को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किसी चीज में, लीटर वगैरह में, या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, या फोर्स को हमको कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो वो कन्वर्जन्स इसमें दिया गया है. और यही मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बोला था, ठीक है. देखो ये याद होगा नहीं, आप सोचोगे कि मैं एक बार में पूरा का पूरा अपेंडिक्स अगर याद कर लूं तो वो संभव नहीं है, ठीक है. आप करेंगे क्या कि उसको
मतलब पढ़ेंगे ठीक है, और जब भी यूज होता है ना, आप देखो लिख लिख के ही प्रैक्टिस होगा, तो जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं उसको फट से एक बार देखिए कि इसका वैल्यू क्या है, उसको लिखिए, तब जाके आपको सारे वैल्यूज याद होंगे, वरना आप धीरे धीरे भूल जाते हैं, और कुछ बात नहीं है ठीक है। और यही सारी चीजें वो आपको पूरा 11th और 12th दोनों में काम आएगा, जितना भी न्यूमेरिकल से सबसे रिलेटेड रहेगा वो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M और ML, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये स्पेशली एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकल के आया है ठीक। अब जो सोमरफील्ड जो थे उन्होंने क्या किया था कि अजीमुथल क्वांटम नंबर L के बारे में बताया था कि भाई S P D F ये तो होते हैं ठीक है, सिर्फ उन्होंने इतना बताया, लेकिन उसके बाद इस एस पी डी एफ के अंदर भी कुछ होता है, उस चीज को ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाता है ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे समझाता है, तब देखिए हमने हमने अभी तक स्फेरिकल देखा है कि स्फेरिकल जो ऑर्बिटल होता है वो दिखता है। तो अब मान लीजिए हमारे पास स्फेरिकल सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन है ठीक, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब इस जगह पे इसको अगर हमने कोऑर्डिनेट्स में डाला ये क्या होगा, मिलेगा हमें एक्स वाई। तो अगर एक्स और वाई से हम बात करें सिर्फ तो ये हमारा 2D कोऑर्डिनेट्स को शो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2D नहीं, वो 3D कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, 3D में होते हैं। तो उसके वजह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जेड एक्सिस भी दिखाना होगा, और जेड एक्सिस के वजह से इसका ओरिएंटेशन बदल जाता है, इसका ओरिएंटेशन में फर्क आता है ठीक। अभी हवा में मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है ठीक है, उस बॉल में मैंने, या आप यूं कहो कि आपके हाथ में वो फुटबॉल है, फुटबॉल में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का और वाइट कलर दोनों दोनों साइज का, आपको देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, साइड में स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रहा है ठीक है। तो उसमें आप देखिए, मान लीजिए आपका फुटबॉल है, फुटबॉल में आपके पास दोनों चिप्पी होती है, जैसे एक हेक्सागन बना होता है फुटबॉल में, तो आपका एक ब्लैक हेक्सागन हो गया, एक वाइट हेक्सागन हो गया, इस टाइप से ये इस ऐसे करके पूरा फुटबॉल बना होता है ठीक है। अब उस फुटबॉल को आप क्या करो, रोटेट करो हवा में। तो अगर आप उसको रोटेट करते हैं तो होगा क्या कि उसके उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट वो बदल जाएगा ठीक। तो चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे स्फेरिकल शेप की जब हम बात करें, जब हम स्फेरिकल शेप की बात करें तो मान लीजिए इसको अगर घुमाएं तो इसका कोऑर्डिनेट तो भले ही बदल रहा है लेकिन हमको दिखेगा तो वैसा है ठीक। तो इस कंडीशन में, एस के कंडीशन में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का शेप देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम दूसरे दूसरे ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जैसे पी में जाएंगे, डी में जाएंगे, तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेगा। डिफरेंट टाइप तो वही रहेगा लेकिन उनका सिर्फ कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। जब हम एक्स में जाएंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वाई में जाएंगे तो कुछ होगा, जेड में जाएंगे तो कुछ होगा ठीक है। तो उसी चीज को जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वही उस चीज को बताता है कि अगर हम किसी भी ऑर्बिटल्स को रोटेट करें या उसका ओरिएंटेशन देखें, वो ओरिएंटेशन कैसा होगा या उसका 3D ज्योमेट्री कैसा होगा, उस चीज को ये बतलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिया है, एक तो हमारा ये स्फेरिकल सेल है और ये एक सेल है, इसको पी सेल का कहते हैं, पी सब सेल का ये ऑर्बिटल्स है जो ऐसा देखने को मिलता है। ये जो शेप्स है ये सभी शेप्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके ही आते हैं ठीक है। तो एस तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा और पी हमको ऐसा देखने को मिलेगा ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ये हमको बतलाता है कि अगर L का वैल्यू है ठीक, अगर L का वैल्यू है तो ये जो ML का वैल्यू है, ये ML का वैल्यू माइनस L से लेके प्लस L तक होगा, उसमें क्या इंक्लूडेड होगा, तो जीरो भी होगा इंक्लूडेड। जैसे देखो यहाँ पे अगर L की वैल्यू 1 है ठीक, अगर L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 एंड +1। अब देखिए इस फिगर को आप ढंग से देखो, इसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा फिर
ठीक है, देखिए एक ऊपर में एक गुब्बारे जैसा बना हुआ है, नीचे में एक गुब्बारे जैसा बना हुआ है, और तीन कॉर्ड, तीन एक्सिस हैं इसके, एक्स वाई और जेड एक्सिस। देखो कि हमारे पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है। कैसा शेप का है? तो ये ऐसा शेप का है, यहाँ पे सेड, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक। ये एक ऑर्बिटल पे है, मान लो जेड पे है, तो जाहिर सी बात है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ और सिर्फ जेड को लेके होगा, ठीक है। अगर इसी चीज को हम घुमा दें, अगर इसी चीज को हम उठाएं और कहाँ पे बना दें, इस चीज को यहाँ पे बना दें, मतलब y एक्सिस का अगर हम बना दें, ठीक है, तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट वो बदल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको और चेंज कर सकते हैं, कैसे, अब हम इसको कहाँ बना देंगे, x पे, तो हमारा कोऑर्डिनेट फिर बदल जाएगा, सॉरी, हमारा कोऑर्डिनेट फिर बदल जाएगा। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स है ये हमको बतलाता है कि ये 3D में, मतलब स्पेस में या हवा में किस टाइप से घूम सकते हैं या किस टाइप से अरेंज हो सकते हैं। तो इसी चीज को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाता है कि अगर L की वैल्यू अगर 1 है, मान लीजिए हम P की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ P की बात कर रहे हैं, तो P में L का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे ML का जो वैल्यू होगा, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ML का वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, -1 देन 0 और +1, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस एल से लेकर के 0 तक से लेकर के +L तक, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक है, माइनस एल से 0, 0 से प्लस एल तक। और यही हमको बताता है कि अगर एल का वैल्यू कुछ है तो एम एल का वैल्यू कहां से कहां होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ये जो -1, 0 और +1 है, ये आप तीनों में से किसी को भी डाल सकते हैं, इसको चाहे आप -1 लिख सकते हैं या इसको 0 लिख सकते हैं या इसको फिर +1, चाहे इसको आप लिख सकते हैं +1, इसको आप 0 लिख सकते हैं, इसको आप -1 लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं, तीनों का जो एनर्जी है, ये एनर्जी एकदम सेम होता है, इस वजह से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो बताता है कि कितना पॉसिबल ओरिएंटेशन है, मतलब कितनी तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक। अब ये जो शेल है यहाँ पे जो बैलून जैसा दिखाया गया है, इसको डम्बल शेप कहते हैं, पी के लिए, पी के लिए इसको हम डम्बल शेप कहते हैं। देखो बीच, अगर आपने डम्बल देखा है जो जिम में यूज किया जाता है बॉडी वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पे देखो बीच में उसका एक रॉड होता है, दोनों साइड में लोहा लगा होता है और बीच में पकड़ने के लिए। अब इसको ऐसा देख समझ सकते हैं कि बीच ये जो एरिया है ये वो पकड़ने वाला एरिया है, और दोनों साइड में ये जो है वो वेट वाला एरिया, वजन वाला एरिया है। इसको लोब्स भी कहते हैं, एल ओ बी ई है। देखो मैंने यहाँ लिखा है पी ऑर्बिटल हैज लोब्स अबव एंड बिलो द प्लेन एज सोन। ये जो प्लेन है, एक्स एक्स का जो ये लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको प्लेन कहते हैं, और इसके ऊपर का जो ये दिखाया गया है बलून जैसा, इसको लोब्स कहते हैं, एल ओ बी ई एस, ठीक है। देन पी सबसेल कैन बी ओरिएंटेड, पी सबसेल कैन बी ओरिएंटेड इन थ्री वेज, लोब्स कैन बी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जैसे आपको एक्स वाई और जेड में दिखाया वैसा ये इसको हम घुमा सकते हैं, या ये इस टाइप से घुमा हुआ होता है। दस थ्री ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन पी सबसेल, मतलब पी सबसेल के लिए तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2L+1, ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का। देन दस एस सबसेल एल इज इक्वल टू 0 हैज 1 ऑर्बिटल, एल अगर 0 है तो उसमें एक ऑर्बिटल होगा।
एल अगर वन है तो उसमें तीन ऑर्बिटल होंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ टेबल दे रखा है आपको कि एस का वैल्यू क्या होगा। एस पी डी एफ का अगर वैल्यू होगा, एस का वैल्यू एल के लिए जो होगा, सॉरी एस के लिए एल का जो वैल्यू होगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो एस में एक ऑर्बिटल होंगे, पी में तीन, डी में पांच और एफ में सात। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर सबशेल, दो, छः, दस और चौदह। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, एम एल का वैल्यू जो होगा तो जीरो के लिए जीरो, वन के लिए, देखिए यहाँ जो एल का वैल्यू है इससे एम एल का वैल्यू आता है, जीरो के लिए जीरो, वन के लिए माइनस वन, जीरो प्लस वन, टू के लिए माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन, प्लस टू, थ्री के लिए माइनस थ्री, थ्री के लिए माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री। ऐसे ही अगर हम फोर में जाएंगे, जब हम जी की बात करेंगे फोर में, तो जो एम एल का वैल्यू होगा वो होगा माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री और प्लस फोर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर से आता है, ध्यान रखिएगा इसको, अजीमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हमको देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो तीन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है ये बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अभी स्पिन क्वांटम नंबर है क्या, देखो कल हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है हमारा वो सन के चारों साइड में रोटेट करता है और उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। ठीक है, तो चूंकि वहां पे हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पे सिर्फ एक एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो दो इलेक्ट्रॉन जब होंगे जब हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, जब हम देखो जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, जैसे ये हमारा सन है तो सन के चारों साइड में हमारा प्लैनेट घूम रहा है। अब देखिए एक एक ऑर्बिट में या एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही प्लैनेट है। ठीक, लेकिन जब हम एटम की बात करें, न्यूक्लियस से अगर हमारे पास, तो उसके चारों साइड में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट में, सॉरी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अगर दोनों का ओरिएंटेशन, ठीक है देखो, एक तो ये घूमेंगे इस सर्कल में चारों साइड से, मतलब क्या बोलते हैं, सर्कल में घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, और दूसरा ये अपने एक्सिस पे भी घूमेंगे, इनके जो एक्सिस होगा, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये अपने एक्सिस पे भी ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ठीक अर्थ के जैसा। तो होता क्या है कि इसके वजह से ना यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। अब दोनों का अगर ओरिएंटेशन एक ही साइड का हो, जैसे अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये करेगा क्या, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो होता क्या है कि अगर एक क्लॉकवाइज है मतलब अगर एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर जाएगा, मतलब एक का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे का चार्ज बैलेंस करते हैं ताकि ये एटम को डिस्टर्ब ना करे। तो इसी चीज को स्पिन क्वांटम नंबर समझाता है, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है ये वैल्यू एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा गया है। तो एमएस जो है, एमएस डिनोशन है स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। एक मिनट सब होल्ड करेंगे, मैं थोड़ा चार्जर लगा लेता हूँ तो बंद हो जाएगा ये।
देखिए दिस क्वांटम नंबर अकाउंट्स फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस सिमिलर टू अर्थ मोशन अबाउट द सन एज वेल एज अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक उसी तरीके से जैसे अर्थ घूमता है अपनी एक्सिस पे भी और सन के चारों साइड. एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग